बारिश शुरू हो गई है और बारिश का मतलब होता है कि बाढ़ प्रभावित इलाके तक राहत का रुक जाना। इस वक्त ये गौरी घाट के पुल पे हम खड़े हैं और नीचे गोर्रा नदी बह रही है जो पूरे उफान पर है। परसों यहाँ लकड़िया पात का बांध टूट गया और उधर बरही पात का बांध टूट गया, जिसकी वजह से बीच के दुआब के 52 गांव बुरी तरह से बाढ़ में डूब गए हैं। इस वक्त यहाँ पर राहत शिविर लगा हुआ है। यहाँ पर एसपी नॉर्थ और स्वास्थ्य विभाग के ढेर सारे डॉक्टर, ढेर सारे एनडीआरएफ के कर्मचारी यहाँ इस समय मौजूद हैं, लेकिन बारिश की वजह से राहत फिलहाल रोकनी पड़ी है। और जो आसपास के इस इलाके के जो इलाके बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से बाहर हैं, वहाँ पर जिनके परिवारों के लोग जो अंदर फंसे हुए हैं, उनकी चिंता लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं लगातार। और जो यहाँ शिकायत केंद्र है वहाँ लगातार अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। हालांकि अधिकारी फिलहाल उनको सिर्फ ये ढांढस बंधा पा रहे हैं कि थोड़ी देर रुक जाइए, बारिश रुकने के बाद ही हमारी स्टीमर और जो बचाव दल है, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो अंदर जा पाएगी, ताकि आपके जो बीमार या जो दूसरे लोग जो बुरी तरह से बाढ़ में घिरे हुए हैं, उन तक राहत पहुंचाई जा सके। अभी तक जो सुबह से राहत पहुंचाई जा रही है उसमें ज़्यादातर राहत इस तरह से दी गई है कि एक तो एनडीआरएफ और पीएससी की कुछ बोट्स हैं, 5-6 बोट्स हैं जो लगी हुई हैं, राहत लेकर के गाँव में जा रही हैं। वहाँ जिसको ज़रूरत है बाहर आने की, प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं या जो बीमार लोग हैं, उनको बाहर आ रही हैं। दूसरे जो लोग पानी में कमर तक या गर्दन तक के पानी में पार करके ये आ रहे हैं यहाँ बरही जगह रोड पर किनारे जो शिकायत केंद्र बने हैं या राहत के लिए लोग मौजूद हैं, उन तक उनको खाने के पैकेट्स दे करके और फिर जब वो वापस जा रहे हैं तो गांव में भेज दिया जा रहा है, ताकि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उन तक कम से कम भोजन पहुँच सके। हालात बेहद ख़राब हैं अंदर के गांवों में। 52 गांवों से लगातार शिकायतें आ रही हैं। लोगों के पास वो नंबर्स भी नहीं हैं कि उन पर वो फ़ोन करके अपनी शिकायत सीधे तौर पर अधिकारियों तक पहुंचा सकें। सो वे अपने जानने वालों तक फ़ोन कर रहे हैं, जानने वालों को फ़ोन कर रहे हैं, और वो लोग आ करके यहाँ पर फिजिकली आ करके यहाँ पर शिकायत केंद्र पर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सिस्टम नहीं पता है कि कैसे अपने परिवार के या अपने रिश्तेदारी के जो लोग अंदर फंसे हैं उन तक मदद वो पहुंचा सकें, तो वो फिलहाल इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी घटे और वो फिर कुछ कर पाएँ अपने लोगों के लिए।